गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज हमारी गुड मॉर्निंग हो रही है बीकानेर के डूंगर गढ़ से। और ये मेरे पीछे देख पा रहे हो आप, बहुत बड़े बड़े रेत के टीले। और यहाँ से मैं आपको पूरा ये जो एरिया है वो दिखाने वाला हूँ। तो पहले तो इस रेत के टीले पे चढ़ते हैं और फिर वहाँ से ऊपर का नजारा देखते हैं कि रेत के टीले के उस तरफ क्या चीज है, तो वहाँ चल के देखते हैं। तो दोस्तों ये देख सकते हो आप, बहुत ही बड़े बड़े यहाँ के रेत के टीले। तो फटाफट पहले तो इसी रेत के टीले पे जाते हैं और मैंने जो अपनी बाइक है उस जगह लगाई है। बहुत ही मुश्किलों से उसको स्टैंड पे खड़ा कर पाया क्योंकि ये वाली रेत है ना दो नीचे जमीन में बैठ रही थी। और ये देखो रेत का टीला। और मैं देख रहा हूँ तो कि आसपास में यहाँ पे इस मिट्टी पे किसान खेती भी कर रखे हैं। दोस्तों आप सामने देख पा रहे हो बहुत ही बड़े बड़े रेत के टीले हैं। तो यहाँ से अपना जो ड्रोन है उसको उड़ाते हैं और देखते हैं कि ऊपर से ये रेत के टीले कितने शानदार नज़र आते हैं। और आप देख रहे हो ये बहुत ही अद्भुत नज़ारा आपके अपने चैनल पर, बहुत ही सुंदर। दोस्तों यहाँ से कितना सुंदर नज़ारा है आप देख पा रहे हो, रेत के बहुत ही शानदार टीले। और जो हाईवे है वो भी बहुत ही ज़बरदस्त है, आप देखोगे तो ये हाईवे भी देख पा रहे हो, ये स्टेट हाईवे है 6। और इसका बहुत ही शानदार नज़ारा है ये यहाँ से रेत के टीले, बहुत ही अद्भुत नज़ारे यहाँ देख रहे हो आप। तो दोस्तों मैं आ चुका जो बीकानेर में तोलियासर भैरू जी है उसके स्थान पे। और ये आप देख पा रहे हो, आपको मैं बता देता हूँ आप इस जगह पे कैसे पहुँचोगे। पहले तो आपको बीकानेर आना पड़ेगा और फिर श्री डूंगरगढ़ आके आपको किसी से भी पूछना है कि तोलियासर गांव जाना है और वही भैरू जी का स्थान है। और आप देख पा रहे हो मेरे पीछे काफ़ी लोग आए हुए हैं यहाँ के। मैंने यहाँ आके देखा कि हरियाणा राजस्थान से नहीं राजस्थान से बाहर से भी गाड़ी आई हुई है। देख पा रहे हो आप एक इनोवा गाड़ी जो हरियाणा से आए हुए हैं। तो पहले तो इनसे मिलते हैं और उसके बाद में मैं आप सभी को मंदिर में लेके चलूँगा और मंदिर में भैरू जी के दर्शन करवाऊँगा। तो दोस्तों एक भाई मिला है मेरे को, कहाँ से आए हो आप? हरियाणा से। हरियाणा से, तो यह आप यहाँ पे हमेशा आते रहते हो? जी हाँ, मैं साल में एक दो बार आता रहता हूँ। आप कहाँ से आए सर? जयपुर से। जयपुर से आए हो, तो सब साथ में। अच्छा साथ में ही हो। तो यहाँ पे आपकी जो मान्यता है भैरू जी से, तो कैसे थोड़ा बताओगे कि अपना जैसे स्थान होता है ना जी, हमारे जो है ना कुल देवता है भैरू जी महाराज। अच्छा। और हम लोग की मतलब बचपन से ही माता पिता दादा लोग ने भी बचपन से ही इनको ही हमारे कुल देवता माना है। अच्छा। और हमारे यहाँ कोई भी अच्छे शुभ काम होते हैं तो इनकी अनुमति से ही हमारे सब शुभ काम होते हैं। अच्छा। उसके बाद जाट जरूला पूजा पाठ जो भी हमारे सब यही होते हैं। अच्छा, तो यहाँ एक बीकानेर में कोडेनेश्वर भैरू जी का, तो वहाँ पे भी जाके आए होगा? अभी जाएंगे, वहाँ पे जाओगे।
दोस्तों यहाँ के जो पुजारी जी है, तोलिया सर भैरू जी के जो पुजारी है, उनसे जान लेते हैं कि ये भैरू जी का जो स्थान है कब, कितना प्राचीन मंदिर है, कब बना, कैसे बना, जो भी यहाँ की मान्यता है उनसे जान लेते हैं। तो आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। तो आपका शुभ नाम? मेरा नाम प्रदीप कुमार सेन है। अच्छा, तो हमारे जो दर्शक है, हमारे जो इसे यूट्यूब फैमिली के जो जितने भी सदस्य हैं, हाँ, उनको ये संपूर्ण जानकारी दीजिए आप। करीब बीकानेर विरासत से पहले का ये मंदिर है। बीकानेर विरासत से पहले का मंदिर है। गंगा सिंह जी के जन्म के टाइम इस मंदिर का वापस जीर्णोद्वार हुआ था। अच्छा। जैसे मरम्मत ये हुआ था करीब 1933 में। अच्छा। सम्मत 1933 में। बहुत प्राचीन मंदिर है ये। काला भैरव का मंदिर है जो तोलियासर में स्थित है, और गोरा भैरव, काला और गोरा दो भाई है। अच्छा। गोरा भैरव है कोडमदेसर है, काला भैरव है तोलियासर। इनकी मान्यता इतनी है भाई, जैसे कोई भी काम, विशेषकर तो पुत्र प्राप्ति के लिए लोग यहाँ आते हैं, निसंतान जो भी है वो यहाँ आते हैं, और तो जैसे हजारों काम इनके करते ही हैं, विशेष तौर से पुत्र प्राप्ति के लिए और शादी के लिए यहाँ आते हैं लोग। अच्छा, तो यहाँ पे जो लोग आते हैं वो कौन कौन सी जगह से आते हैं? देखो, ऑल वर्ल्ड से आते हैं यहाँ, पूरे ऑल वर्ल्ड से।